Hello friends, I am Vikram and welcome to my channel Vikram channel next time. Friends, आज से Sunday और आज के इस वीडियो में आपके साथ एक tutorial share करने वाला हूँ. Ondashir Filmora का ये tutorial है. तो इस वीडियो में आपको एक खास बहुत ही खास एक tutorial देने वाला हूँ. तो friends, इस वीडियो के साथ से पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए. देखने के बाद अगर अच्छा लगा लाइक करें, इसको मत भूलिए, शेयर इस प्लीज को कर दीजिए. एक काफ़ी अच्छा एक ट्यूटोरियल होने वाला है. तो फ्रेंड्स, लेट्स गो टू वीडियो. फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं मेरे डेस्कटॉप पर, मेरे विंडोज डेस्कटॉप पर. तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम भी ओपन करने वाले हैं ओंडाशेयर फिल्मोरा को. तो अभी ओपन कर लेते हैं इसको. ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम इसको ओपन कर लेते हैं. ये एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, तो इसको ओपन कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा. ओंडाशेयर फिल्मोरा का फर्स्ट वर्जन है 8.7.0. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 16:9 रेशियो में ही रखना है सेटिंग्स में. तो अभी एक अच्छा स्टैंडर्ड मोड है. यहाँ पर आप देख रहे हैं 16:9 रेशियो. तो यहाँ पर आपको मोड्स मिल जाते हैं, बहुत कई सारे कट भी कर सकते हैं. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फुल फीचर मोड. तो फुल फीचर मोड ही सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसका हम ओपन कर लेते हैं. लेकिन इसको 16:9 रेशियो में ही रखिए, इसको ओपन कर लेते हैं. तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा. फर्स्ट जो डैशबोर्ड है, कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको कई सारे मोड्स मिलते हैं, बहुत सारे मोड्स मिलते हैं. हम फर्स्ट से आपको शुरू करते हैं. तो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है मीडिया. यहाँ पर जो देख रहे हैं ये मीडिया ऑप्शन है. यहाँ पर आप कोई भी अगर फाइल आप इनपुट करते हो तो आप एक फाइल एक यहाँ पर आ जाता है. तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर यहाँ पर पिन कर सकते हो. इसे कहते हैं टाइमलाइन मोड. तो यहाँ पर आप पिन कर सकते हो. काफ़ी अच्छी तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी है. और यहाँ पर सैम्पल कलर्स भी आपको देखने को मिल जाता है. यहाँ पर आप फाइल्स इनपुट कर सकते हो माई एल्बम से. और सैम्पल कलर्स में कई सारे आपको सैम्पल कलर्स ओंडाशेयर देते हैं फिल्मोरा. तो यहाँ पर अच्छा है, यहाँ पर कलर्स भी आप कोई भी कहीं चूज कर सकते हो. और यहाँ पर अगर आप रजिस्टर नहीं करते तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है. लेकिन मैंने अभी रजिस्टर करके रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है. लेकिन अगर रजिस्टर नहीं किया है तब एक वाटरमार्क आ जाएगा. लेकिन अभी वाटरमार्क नहीं आया है, बिकॉज मैंने इसको रजिस्टर पहले से करके रखा है. कैसे आपको एक वीडियो भी मिल जाता है स्टैंडर्ड. आपको एक सैम्पल वीडियो भी मिल जाता है. काउंटडाउन का एक वीडियो है, जैसे कि 5 4 3 2 1 एक वीडियो आपको देखने को मिल जाता है. तो आप इससे एक वीडियो को एडिट कर सकते हो. तो यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड जो है ये है म्यूजिक. म्यूजिक में आपको कई सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब्स के लिए वीडियो एडिटिंग के लिए म्यूजिक मिल जाता है. यहाँ पर कई सारे आपको डाउनलोड भी करना पड़ता है. लेकिन ये कई बहुत ही कम एमबी का आपको है. ये बहुत अच्छी जैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. कई सारे आपको फ्री में भी मिल जाता है. तो यहाँ पर अच्छे अच्छे म्यूजिक्स भी है. लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा, बिकॉज डाउनलोड भी मैंने नहीं किया है, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी फाइल में ही है म्यूजिक्स. तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट एंड क्रेडिट. तो यहाँ पर आप अलग अलग से टेक्स्ट लिख सकते हैं. एक वीडियो के ऊपर कोई एक टेक्स्ट डाल सकते हैं. अच्छे अच्छे एनिमेशन के आपको टेक्स्ट देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ पर मैं जो डालता हूँ टाइटल में जाकर, टाइटल में जाकर कोई मैं ये टाइटल डालता हूँ. ये जो टाइटल है मैं कुछ इस टाइप से ये टाइटल डालता हूँ. तो यहाँ पर आप टाइटल भी डाल सकते हैं. अच्छी तरह से टाइटल आप डाल सकते हैं. कई से आपको टाइटल्स टेक्स्ट मिल जाते हैं. तो यहाँ पर आप अच्छे अच्छे एनिमेशन के टाइटल भी ले सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं. लेकिन कोई से टाइटल्स आपको फ्री में ही मिल दिया जाता है. तो अभी जो नेक्स्ट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट दोनों वीडियो को जोड़ने के लिए, वो है ट्रांजिशंस. ट्रांजिशंस ना हो तो एकदम वीडियो अनप्रोफेशनल लगता है. तो फिल्मोरा में कैसे आपको ट्रांजिशंस ऐसे ही मिल दिया जाता है. यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, आपको ऐसे ही कई से ट्रांजिशंस आपको देखने को मिल जाता है. तो ये है, बहुत से आपको ट्रांजिशंस देखने को मिल जाता है. कई से करीब 200 ही ट्रांजिशंस में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ट्रांजिशंस. तो काफ़ी एक अच्छा मतलब फीचर सही है. और जो नेक्स्ट है वो है, तो आप जानते ही हैं फिल्टर्स. तो आपको अलग अलग से को फिल्टर्स, कई प्रोफेशनल फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाता है फिल्मोरा में. सभी मोबाइल सभी सॉफ्टवेयर्स में ये नहीं होते हैं, लेकिन फिल्मोरा में ये अभी है. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है. अच्छे अच्छे वीडियोज़ को आप इससे एडिट कर सकते हैं. कई अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं.
या फिर ये उभारले, उभारले में कई से अलग से ये तो फिलरा की टाइप ही है, यहाँ पर अलग से उभारले डाल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिकल उभारले, बहुत अच्छे से उभारले सबको मिलते हैं, लेकिन ये वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा ही यूज़ नहीं करता है, स्पेशली टैग वीडियोज़ में। तो जो नेक्स्ट है वो है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं, यहाँ पर कहीं से डाउनलोड भी करना पड़ता है, कहीं से आपको मिल भी जाता है। और ये जो नेक्स्ट है वो है स्पिल्ट, यहाँ पर आप स्पिल्ट कर सकते हैं, जनरली यूज़ नहीं करता है, मतलब वीडियो को डिवाइड करके दिखाने में, तो ये कभी कभी यूज़ करता है, लेकिन ये यूज़फुल भी है, यूज़फुल ही है। और जो नेक्स्ट है वो है एक्सपोर्ट, तो हम कोई भी एक फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करके देते हैं, ड्रैग करेंगे इस फाइल को और यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे टाइमलाइन, ये इसे कहते हैं टाइमलाइन मोड। और यहाँ पर आपको वीडियो इनपुट किया जाता है, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी डाल दिया, टेक्स्ट डालते हैं, और यहाँ पर साउंड एंड वॉइस ओवर और म्यूजिक दिया जाता है। तो ये जो है हमारा टाइमलाइन में आ गया है मेरा वीडियो, तो अभी इसको हम कट पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमें कुछ कट पेस्ट करना है यहाँ पर। ओके ओके, तो इसको मैंने थोड़ा एडिट करके दिखाऊंगा आपको अभी थोड़ा बहुत सा। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया है अभी। मैं जो कहता हूँ लेट्स प्ले आवर वीडियो, तो यहाँ पर मैं ला लूँगा आपको लेट्स प्ले आवर वीडियो में, तो लेट्स प्ले आवर, तो लेट्स प्ले आवर वीडियो। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं, पॉज करने के बाद इसको हम स्पिल कर देते हैं, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्पिल का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको आप स्पिल कर दीजिए। हालांकि इसको आप कमांड की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ई दबाकर। तो यहाँ पर हम इस स्पिल एरिया में अपना जो इंट्रो है, नया इंट्रो जो है इसको हम डाल लेते हैं। ये मेरा नया इंट्रो है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे देखने में, अच्छा। तो यहाँ पर इस भी सबको एक ट्रांजिशन दिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, तो एकदम प्रोफेशनल लगेगा, इंट्रो में घुसते ही अच्छे एक ट्रांजिशन दे दे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आपको ट्रांजिशन में चाहते हैं, यहाँ का अलग से ट्रांजिशन मिलते हैं, लेकिन मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ फेयर यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं अभी डिसॉल्व भी अच्छा है, डिसॉल्व भी यूज़ कर लेता हूँ। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको हम प्ले करें, देखने के ये प्रोफेशनल लग रहा है, तो कुछ अलग से ट्रांजिशन भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फेड ट्रांजिशन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, तो अभी कुछ इस टाइप से आपको ओपन होकर देगा। अभी सब से देख सकते हैं, मैंने कुछ साउंड ऑफ करके हुआ है, बिकॉज अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे किस टाइप से आपको करना है, तो मैंने साउंड को थोड़ा वॉल्यूम डाउन करके रखा है। तो इस टाइप से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइटल्स भी डाल सकते हैं, अपना एक टाइटल्स डाल सकते हैं यहाँ पर टाइटल। तो यहाँ पर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं, आप वीडियो में डबल क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं, और टिंट आपका अलग से ऑप्शन मिलते हैं, ताकि अगर आपका वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा ना हो तो आप इससे अच्छा कर सकते हैं। लाइटिंग जो आप कंडीशन अगर ठीक नहीं हो तो लाइटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट एंड क्रेडिट में जाकर मैं जो टाइटल है, टाइटल इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं टाइटल, तो टाइटल यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिए टाइटल में। टाइटल को डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिखिए, सपोज मैं लिख देता हूँ मेरा नाम ही लिख दिया, आप अपना नाम लिख दीजिए विज्ञान GOSW और विज्ञान गोस्वामी, जिसको हम ओके कर लेते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे ये जो एनिमेशन है, इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से कर लेते हैं, रुकिए थोड़ा, ये हो गया है, थोड़ा मतलब मैनेज कर लेते हैं इसको, क्रॉप नहीं मैनेज कर लेते हैं इसको हम थोड़ा सा, तो अच्छा देखिएगा जितना मैनेज करेंगे। तो मैं आपको बेसिक सा ट्यूटोरियल ले रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से एडिट करूँगा, अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है ये, तो कोई बात नहीं, मैं कुछ जस्ट दिखा रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से टाइटल लेता हूँ, कुछ इस तरह से देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा ख़राब हो गया है, बट कोई बात नहीं। तो कुछ इस तरह से इसे ओके करने के बाद ओके अपले कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे टाइटल। तो इसका मैनेज भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो मैं कर लूँगा बाद में, मैं कभी बेसिक से दिखा रहा हूँ। तो ये है थोड़ा बहुत जितना हो सके ट्यूटोरियल आपको दे दिया है, तो इसका लास्ट में एक्सपोर्ट में जाइए, जाने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए एक्सपोर्टिंग टू डिवाइस, और यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए। यहाँ पर अलग से डाइमेंस का, अगर आप डॉक्यूमेंट्री फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं तब यह सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मोबाइल में करेंगे तो सपोर्ट करता है। तो ये यूट्यूब से भी डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर से अगर मोबाइल में चॉइस दे सकते हैं, अगर आपके पास यहाँ से कोई नहीं है चॉइस, तो आप स्मार्टफोन में क्लिक कर लीजिए या सेटिंग्स पर जाकर रेजोल्यूशन भी आप इसको सेट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे रेजोल्यूशन फुल एचडी में भी आप इसको सेट कर सकते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा वीडियो रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट में क्लिक कर दीजिए
और काफ़ी जल्दी कैनेडा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो तो एक बड़ा सा वाटरमार्क आ जाता है, लेकिन मेरे वीडियो में अभी वाटरमार्क नहीं आएगा, आप शायद देख पा रहे हैं बिकॉज मैंने अभी रजिस्टर करके रखा है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट में क्लिक कर लीजिए, ये एक्सपोर्ट में शुरू हो जाएगा। तो यही थे सबसे आसान बहुत ही कमाल का प्रोफेशनल वीडियो एडिटर फिल्मोरा। फ्रेंड्स, आई होप कोई वीडियो अच्छा लगा है। साउंड क्वालिटी अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आ रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो से आपके लिए अच्छे लाने की कोशिश करूँगा। मैं आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जैसे मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू सून फ्रेंड्स। जय हिंद, धन्यवाद।